आज मानव सेवा क्लब द्वारा शिक्षक दिवस पर कई हमारे प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनका सम्मान होना है, जिसमें डॉक्टर राजन भारती जी जो LBS के डायरेक्टर हैं उनका सम्मान होगा, हमारे डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी हैं, प्रोफेसर हैं और केमिस्ट्री में बरेली कॉलेज में रहे हैं, उनका आज सम्मान है। डॉक्टर आलोक खरे जो बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका सम्मान है, और शोभा सक्सेना जी जो पंत नगर विश्वविद्यालय में भी उन्होंने पढ़ाया है उनका भी आज सम्मान है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग सम्मान की बेला में यहाँ एकत्र हुए हैं महानगर में, तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले राजन भारती जी का सम्मान करेंगे। मानव सेवा क्लब ने शिक्षक दिवस के अवसर पर किया शिक्षकों का सम्मान। मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने महानगर में एक कार्यक्रम में प्रोफेसर राजेंद्र भारती, डायरेक्टर LBS बरेली, प्रोफेसर आलोक खरे बरेली कॉलेज बरेली, डॉक्टर SK शर्मा, शोभा सक्सेना, कमल भारती को शाल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भारत में टीचर्स डे मनाने की शुरुआत वर्ष 1962 से हुई थी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का देश के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म दिनांक 5 सितंबर को हुआ था। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्रों को मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की। हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के साथ सभी शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। आलोक खरे जी, बरेली कॉलेज बरेली में वनस्पति विभाग का अध्यक्ष हूँ और मानव सेवा क्लब का सदस्य भी हूँ। हर्ष का विषय है कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज मानव सेवा क्लब शिक्षकों का अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ गुरुजन डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा सर है, बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सर को जो है। डॉक्टर राजेंद्र भारती जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैडम मुकेश सक्सेना, आप सब लोग को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भारत गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलने वाला देश है और गुरु विश्व गुरु बनने के मार्ग पे प्रशस्त है, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से सराहनीय है। मानव सेवा क्लब की जितनी सराहना की जाए कम है, वो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैं निश्चित रूप से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर SK शर्मा, पूर्व में रसायन विभाग बरेली कॉलेज का अध्यक्ष रहा, मुझे और यहाँ मानव सेवा क्लब का मैं सदस्य भी हूँ। मुझे खुशी यह है कि आज हमारे क्लब ने हम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित करने का निर्णय लिया और यहाँ सम्मानित किया। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में शिक्षक दिवस एक दिन हम मनाते ज़रूर हैं, लेकिन सही बात यह है कि मैं जो आज शिक्षक हूँ वो किसी शिक्षक की कृपा से हूँ। शिक्षक और शिष्य का नाता आज नहीं वर्षावर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षकों के प्रति वो आदर भाव दिखाई देता है जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें सम्मानित किया जा रहा है, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजेंद्र भारती, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर हूँ पिछले लगभग 20 वर्षों से। मुझे आज बहुत ही हर्ष हुआ और बहुत प्रेरित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मानव सेवा क्लब ने ये तय किया कि वो कुछ शिक्षकों का सम्मान करें और उनमें से मैं भी हूँ। होता क्या है, जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं
तो एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का एहसास होता है कि हमारा समाज में महत्व है और वो महत्व क्या है, उस महत्व को हम बनाए रखें। तो ऐसे में याद आते हैं मुझे अपने वो शिक्षक याद आते हैं जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ, वरना शायद मैं नहीं होता। और मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि मुझे अपने बहुत अच्छे टीचर्स याद आते हैं। तो मैं सोचता हूँ काश हम भी वैसे ही टीचर बने जो अपने टीचर्स की वजह से हम इस लाइक बने। तो ऐसे मौके पे एक तरह से कर्तव्य बोध होता है, एक समर्पण की भावना आती है कि अपने बच्चों के लिए हम इतने महान बने। मुझे एक सौभाग्य प्राप्त ये हुआ है कि जिनके नाम से जिनका जन्मदिन ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मुझे उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला जी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, तो वो भी मुझे अनुभव मिला था। और तो मैं मानव सेवा क्लब इस तरह के बहुत काम करता है जो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मानव सेवा क्लब के लिए और दूसरा साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं शोभा सक्सेना शुरू में अपने छोटे बच्चों के स्कूल में टीचर रही हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़े बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदार वाली काम होता है। अपने सभी शिक्षकों के प्रति जिन्होंने मुझे पढ़ाया या सिखाया जो कुछ भी, उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। छोटे बच्चे मेरे हिसाब से शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाए कि ज्ञान को किस तरीके से वो खुद खोजे या खुद प्राप्त करे। इन्फॉर्मेशन किताबों से तो मिल ही जाती है, वो तो पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन जीवन में किस तरीके से आप आगे बढ़ें ज्ञान प्राप्त करके और जब जीवन में सफल हो एक श्रेष्ठ इंसान बन सकें, ये पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी जिम्मेदारी आज मीनू सिन्हा जी ने फिर से याद दिला दी है, जिसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद। मैं कमल भारती हाउस वाइफ हूँ इस समय, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है और बहुत प्यार मिला, बहुत जिम्मेवारी से उन लोगों ने मुझे पढ़ाया और मैंने अपने बच्चों को उसी तरह से आगे बढ़ाया है और कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे नागरिक बन सकें और देश की सेवा कर सकें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मानव सेवा क्लब और उनकी बीनू भाई सबका।